हेलो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ का बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस सबसे पहले ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा और इस चैप्टर में से क्वेश्चंस डेफिनेटली आता है अब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसा उसमें कितने मार्किंग आता है वो सब हम डिस्कस करेंगे इन बिटवीन द लेक्चर अभी हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली लाइफ प्रोसेस होता क्या है लाइफ प्रोसेस लाइफ और प्रोसेस को अगर हम अगर हम इनको बायफर्केट करें इन दोनों वर्ड्स को लाइफ एंड प्रोसेस यानी ऐसे कुछ प्रोसेस जो लाइफ के सर्वाइवर के लिए ज़रूरी हैं ओके तो अगर आप इस पर कंसंट्रेशन करें अपना दिमाग दौड़ाएं तो आपको लगता है कि अगर अपने डेली रूटीन में लाइफ में हम क्या क्या कर रहे हैं हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं फूड खा रहे हैं हम सबसे पहले उसके बाद रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं डाइजेशन भी कर रहे हैं ओके हम जो है आ, उसमें हम आ, एक्सक्रीशन भी कर रहे हैं रिप्रोडक्शन भी हो रहा है तो ये जो चीज़ें हैं यानी कि जो हमारे डेली रूटीन के लाइफ के लिए असेंशियल हैं वो क्या कहलाता है लाइफ प्रोसेस तो हमने यहाँ पर उसको डिफाइन किया हुआ है द बेसिक फंक्शन एंड एक्शन ऑफ लिविंग बींग विच आर असेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल यानी कि वो प्रोसेस जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है वो क्या कहलाते हैं लाइफ प्रोसेस तो उसमें वो सारे प्रोसेस हमें इंक्लूड करने हैं जो हम बेसिक रूटीन लाइफ में करते हैं लेकिन एन के हिसाब से आपकी चार प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कौन कौन से सबसे पहला न्यूट्रीशन दूसरा रेस्पिरेशन थर्ड सर्कुलेशन एंड फोर्थ एंड लास्ट दैट इज द एक्सक्रीशन समझ में आ रहा है गेटिंग माई पॉइंट अब न्यूट्रीशन न्यूट्रिशन वर्ड को आई थिंक आप क्लास सिक्स से पढ़ते आ रहे हैं साइंस चैप्टर में न्यूट्रिशन मीन्स एक हम सिंपल लैंग्वेज में इसको डिफाइन करें तो द प्रोसेस टू टेक न्यूट्रिय और दर टेकिंग ऑफ नरिशमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन समझ में आ रहा है यानी कि नरिशमेंट लेने का प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है न्यूट्रिशन कहलाता है और नरिशमेंट हम सबको किससे मिलता है न्यूट्रिय से मिलता है नरिशमेंट हमसे को किससे मिलता है न्यूट्रिय से, से मिलता है और न्यूट्रिय के अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं हमारे एनर्जी गिविंग फूड हमारे फैट हमारे जो बॉडी बिल्डिंग फूड है वो सारे ठीक है हमारे रिपेयरिंग और ग्रोथ के लिए जो असेंशियल मटेरियल हैं जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट है फैट है विटामिनस है मिनरल्स है प्रोटीन्स है तो ये सारा क्लासिफिकेशन आई थिंक आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं एनर्जी गिविंग फूड जो है आपका कार्बोहाइड्रेट है फैट है बॉडी बिल्डिंग फूड जो है वो आपका प्रोटीन है ओके रिपेयर एंड ग्रोथ के लिए आपको विटामिन एंड मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आप छोटी क्लासेस में इसको पढ़ चुके हैं तो अभी हम बेसिकली जो आपके एनसीआरटी सिलेबस के हिसाब से उस पॉइंट पे आ जाते हैं तो यहां पर न्यूट्रिशन प्रोसेस ऑफ ऑप्टेनिंग नरिशमेंट और नरिशमेंट हमको किससे मिलता है हमें मालूम है न्यूट्रिय मिलता है बेटा ओके okay? और न्यूट्रिय के सोर्सेस क्या क्या है जैसे कार्बोहाइड्रेट है आपका विटामिन है फैट है प्रोटीन है विटामिन है मिनरल्स है आपका ओके okay? तो ये सारे सोर्स हमारे क्या सोर्स है हमारे न्यूट्रिएंट्स के सोर्स है अगर हम बेसिकली बात करें कि नरिशमेंट के बेसिस पे या न्यूट्रिएंट्स के बेसिक पे कोई लिविंग और सिस्टम किस कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो दैट इज डिवाइडेड इनटू ब्रॉडली टू क्लासिफिकेशन यानी कि इसमें दो क्लासिफिकेशन हमको मिलते हैं ऑटोट्रॉफिक नरिशमेंट एंड हेट्रोट्रॉफिक कोई ऐसा सिस्टम जो कि नरिशमेंट के लिए किसी और चीज पे डिपेंडेंट नहीं है वो टोटली totally इन्वायरमेंट environment से एनवायरमेंटल हेल्प से खुद अपना नरिशमेंट जो है बनाता है ओके okay? अब यहां पर ऑटोट्रॉफिक नरिशमेंट के अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं आई थिंक आप सभी को मालूम है ये हम प्लांट्स को इन्वॉल्व करते हैं बेटा और प्लांट्स कौन से प्रोसेस से नरिशमेंट बनाते, है? बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से नरिशमेंट बनाते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस से जो प्रोसेस है उससे वो नरिशमेंट बनाते हैं अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से नरिशमेंट बनाने के लिए यहाँ पर ये प्लांट्स को हम एक और टर्मोलॉजी देते हैं दैट इज होलोफाइटिक न्यूट्रिशन होलोफाइटिक न्यूट्रिशन यानी कि ये टोटली totally किसी और पे ना डिपेंडेंट होके खुद पे डिपेंडेंट है तो ऑटोट्रॉफिक नरिशमेंट तो आज तक आप पढ़ते आए हैं लेकिन इनके लिए प्लांट्स के लिए हम एक और तरह का टेक् टर्मोलॉजी यूज करते हैं दैट इज़ नोन एज द होलोफाइटिक नरिशमेंट और न्यूट्रिशन अब यहां पर हम हमें यह तो मालूम है कि प्लांट्स अपना फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से यूज करते हैं और अपना फूड बनाते हैं लेकिन कुछ बैक्टीरिया बैक्टीरिया ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ऑटोट्रॉफिक नरिशमेंट ठीक है लेकिन ये जो बैक्टीरियाज होते हैं दीज आर नॉट परफॉर्म कीमोसिंथेसिस मींस ये कुछ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू अपना एनर्जी जनरेट करते हैं और केमिकल रिएक्शंस वो इन्वायरमेंटल के जो केमिकल्स मौजूद हैं उनको यूटिलाइज करते हुए ये काम करते हैं तो इसमें एग्जाम्पल है जैसे आपका सल्फर बैक्टीरिया ओके तो ये जो क्या होता है कि एनवायरमेंटल सल्फर यह जो मौजूद है गैसेस सल्फर गैसेस वगैरह उनको यूटिलाइज करते हुए एनर्जी जनरेट करते हैं तो ऑटोट्रॉफिक नरिशमेंट में होलोफाइटिक नरिशमेंट में हम प्लांट्स को इंक्लूड करते हैं लेकिन ऑटोट्रॉफिक नरिशमेंट के अंदर ही हम कीमोसिंथेटिक नरिशमेंट को भी इंक्लूड करते हैं जिसका एग्जाम्पल है सम बैक्टीरिया नॉट ऑल द बैक्टीरिया सम बैक्टीरियाज कम्स अंडर दिस कैटेगरी तो वो हम सल्फर बैक्टीरिया को इंक्लूड करते हैं ओके तो यहां पर आज हम डिस्कस करते हैं इस लेक्चर के अंदर ऑटो ट्रॉफिक नरिशमेंट जो कि प्लांट में होता है ओके वो पूरा प्रोसीजर हम डिस्कस करते हैं